वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। राइट नाउ इट्स 10 AM। आज का कुछ ऐसा प्लान है कि पिछली राइड आपने देख ली होगी, कूर्ग से मैं अभी वापस आया था, और अब का प्लान है होगे नक्कल वाटरफॉल जाने का, जो कि अराउंड यहाँ से 140 किलोमीटर है। सो आज का ये ब्लॉग इतना स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से मैं अभी रेडी हूँ, और सारे आज मैं सिर्फ अपना टैंक बैग लेके जा रहा हूँ, फालतू का सामान लेके जा रहा हूँ, और जाके बस वापस आना है, क्योंकि वहाँ पे बस मेरे को वहाँ पे जो भी होगा बोट राइड वगैरह होगी, वो भी एक टोकरी वाली बोट होगी, उसके अंदर बोटिंग करनी है, वाटरफॉल वगैरह देखना है, ये सब चीज़ें हैं। अभी मैंने ये सब सुना है, देख पहले मैं नहीं गया हूँ। तो अभी आज मैं बैंगलोर से तमिलनाडु जा रहा हूँ, जो कि अराउंड 140 किलोमीटर पड़ेगा, और दूसरी स्टेट में कर्नाटका टू तमिल। तो विद दिस आई एम शान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल IP फिल्म। लेट्स स्टार्ट द टुडेज व्लॉग। और ये रही वो जो कह रही है कि मैं आज के बाद बाइक पे नहीं जाऊंगी, जाएगी तो अपनी खुद लेके जाएगी और खुद चला के, कह रही है मैं नवी बाइक लेऊंगी। नवी आपने देखी है, वो छोटी सी होती है होंडा की लूना जैसी, तो ये वैसी ले रही है। अब तुझे ये चाहिए क्या? क्या क्या बोलते हैं ये सब कुछ मजाक। ओके सो भाई GoPro भी अभी माउंट हो गया, चलो। कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है, टेम्परेचर यहाँ का ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो गर्मी में राइड करनी है आज तो। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं हेलमेट भी दूसरा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो वाला ना बहुत ज़्यादा टाइट है, ग्लव्स तो निकालने रह ही गए। सबसे पहले तो भाई इसमें फ्यूलिंग करानी है, फ्यूल इकोनॉमी फ्यूल रेंज है अभी 50 या 40 किलोमीटर है, उसके बाद ही आगे कहीं पे जा पाएंगे। आज बस एक चीज़ की खुशी है कि मेरा कैमरा ना बिल्कुल सही माउंट हो गया है, अब फालतू हिलेगा नहीं तो बढ़िया वीडियो बनेगी। अगर किसी ने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे हैं तो ये वाला रास्ता भी देखा होगा, जब मैं आया था यहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस कराने, और उसके बाद हाँ यहाँ से गया था फिर कन्याकुमारी, पहले तो अपनी बाइक की सर्विस कराई थी यहाँ पर। 360 को ऑन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो साइड में जो आ रहा है ना व्यू, ये बहुत अच्छा आ रहा है, जो कलर के इन्होंने पौधे लगा रखे हैं ना, दिस वाज सो गुड। भाई यहीं से गया था, मेरे को याद आ चुका है, इसी रास्ते से ही आज मेरे को जाना है तमिल। आज सोलो राइड करने में अलग ही एक फन आ रहा है, क्योंकि आज ना पीछे मतलब कि लोड नहीं है, बाइक बिल्कुल उठ के चल रही है, थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है, तो आज इतना अभी तक तो दर्द शुरू हुआ नहीं है, पर अभी तो हुए भी कितने 6-7 किलोमीटर ही है, अभी तो पता चलेगा थोड़ी देर में। होसुर की साइड से जाना है मेरे को NH7 की तरफ से। ये लेफ्ट साइड में कोई ना लेक आ गई है, आई डोंट नो कौन सी लेक है, नाम देखना पड़ेगा यार। जैसे पानी वानी होता है ना साइड में, रिवर हो गई, लेक हो गई, सी हो गया, तो वहाँ पे वो ठंडी ठंडी से हवा चलती है, तो गर्मी ना उतनी फील नहीं होती, धूप भी फील नहीं होती, मतलब धूप लगती तो है पर जो हवा होती है ना गर्म, वो भी ना बहुत मायने रखती है। अगर वो हवा ठंडी हो जाए, उसके अंदर कन्वर्जन हो जाए, तो कितना बढ़िया मज़ा आ जाता है। ओए होए जैसे मेरे को आ रहा है, ये सामने मॉल कितना बढ़िया लग रहा है ना, गरुड़ा गरुड़ा मॉल। जहाँ से राइट में है डेयरी सर्कल, और आगे आने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब क्या है बेंगलोर में, बट नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और अभी तक मेरे को फ्यूल नहीं मिला है, मेरी रेंज बची है 20 किलोमीटर ओनली। बीच में दो मेरे को पेट्रोल पंप दिखे थे, बट वो ना मेरे ना अपोजिट साइड पे थे, उसके लिए मेरे को यूटर्न वगैरह लेना पड़ता, तो इसलिए मैंने वहाँ से फिलअप नहीं कराया, मेरे को लगा अभी आगे मिल जाएगा, पर आगे तो कहीं पर मिला ही नहीं, बट अब जो भी मिलेगा तो भाई पेट्रोल डलवा ही लो। वैसे ना बेंगलोर के ट्रैफिक से निकलना बड़ा मुश्किल है, देखो मेरे को कितनी देर हो गई, 1 घंटा होने वाला होगा शायद, अभी तक सिर्फ 18 किलोमीटर कवर हुआ है, मतलब कि अभी तक तो मैं बेंगलोर से बाहर नहीं निकला हूँ। क्या तमिल पहुँचेगा रे तू, जब बेंगलोर से निकलूँगा फिर कर्नाटका क्रॉस करना है, फिर तमिल आएगा। फाइनली 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 पेट्रोल पम्प दिख गया है मेरी साइड पर मेरे को, ये तो मेरे को बंद लग रहा है, इसकी तो लाइट ही नहीं जल रही, जो रेट्स होते हैं ना पेट्रोल वगैरह के, पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं ओपन है, ओपन है, सही है। चलो भाई फ्यूलिंग करा लेता हूँ फटाफट।
ओके सो भाई अब फ्यूलिंग हो गई है, अब रेंज दिखा रहा है 290-280 किलोमीटर, तो यहाँ से अब बचा है 119 किलोमीटर। मेरे ख्याल से हाईवे भी स्टार्ट हो गया बस अब। एक तो यहाँ पे ना टू व्हीलर के भी ना टोल लगते हैं, और टू व्हीलर की लाइन देखो भाई कितनी लंबी है। ओ माय गॉड, KFC, हाँ यार KFC चलता हूँ यार, भूख तो लगी रही है। इतना जिंगर, क्लासिक जिंगर बर्गर खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। पीछे एक ना KFC ना मिस हो गया था, तो मैं सोच रहा था यार KFC पे रुक जाता, और अब ना मेरे को उसी टाइम, मतलब जो मैंने सोचा और चाहा और उसी टाइम मेरे सामने आ गया KFC एक और। मज़े। अराउंड 95 किलोमीटर मोर लेफ्ट, 2 hours and 26 minutes, पर भूख अभी बहुत तेज़ है, और अभी 12:22 हो गए हैं। पहले कुछ खाते हैं, मैंने अभी वेज नहीं, मैंने अभी तंदूरी चिकन जिंगर का मील ऑर्डर करा है, 5 to 7 minutes में आ जाएगा, और फिर यहाँ से निकलूँगा आराम से खा पी के। हेलो भाई, खाना वाना हो गया सब कुछ। Now only 95 किलोमीटर left, 2 hours and 26 minutes. Okay, so welcome to Tamil Nadu. Tamil Nadu limit start. यहाँ से भाई तमिलनाडु स्टार्ट हो गया, तमिलनाडु बॉर्डर। So welcome to Tamil Nadu. मज़े। तमिलनाडु में एंटर करते ही देखो TVS का कितना बड़ा प्लांट है। यहाँ पे सारी TVS की बाइक, BMW 310cc सारी यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हो गए नक्कल, यहाँ से है 56 किलोमीटर और, ये दिखा रहा है 53, अभी तो 1 hour 22 minutes और लगेगा, मतलब कि 3 बजे पहुँचूँगा आज मैं, 3 बजे। यार इतना लंबा रूट हो गया, मतलब 140 किलोमीटर ना, और लद्दाख वद्दाख छोड़ के नॉर्मल प्लेन रोड्स पे, मतलब ये पहली बार होगा कि इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि बैंगलोर से निकलने में 1.5-2 घंटे लग गए थे, तो सिर में दर्द हो रहा है अब तो। पता नहीं हेलमेट छोटा है क्या है, समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा है आगे ना पहाड़ों में जाना है, क्योंकि सामने ना पहाड़ आ गए हैं और वहीं पर ही रास्ता लेके जा रहा है, हो सकता है कि वहीं से ही जाना हो पहाड़ों के ऊपर हो वाटरफॉल को। अब मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे पता तो है नहीं, कुछ कह नहीं सकते, मे बी के माउंटेन्स में हो। और देखो बोरा, देखो पहाड़, ज़्यादा बड़े नहीं है, नॉर्मल है, बट हाँ पहाड़ है, पर पता नहीं इस पे जाना है कि सीधा जाना। मंकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई है अभी, है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते ही मंकी सबसे पहले। जब ये जंगल के रास्ते आते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है, एक नंबर। यहाँ पे सारे एनिमल्स भी दिखते हैं आपको, ऊपर से पूरे ठंडा रास्ता, साइडों में सारे घने जंगल, इट्स अमेजिंग। ये देखो भाई कैसी गायें, इसके सींग देखो, यहाँ पे ना सारी ना तमिल में, मेरे को अभी तक तीसरी गायें दिख रही है ये, जिसके सींग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हैं ऊपर और नोकीले बहुत ज़्यादा। कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट, बुल और भी पता नहीं कौन कौन से जानवर इस जंगल में मिल सकते हैं। माउंटेन्स की राइड स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर ही ऊपर चढ़ना है पहाड़ के ऊपर, रेड कलर की पूरी सॉइल है यहाँ पे। ये वाटरफॉल तो बिल्कुल ही तमिलनाडु के ना आउटस्कर्ट्स में है, अलग ही गांव में, अलग ही जगह, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इतने लोगों ने अभी विजिट किया होगा, मतलब कितना ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड मेरे को ये लग नहीं रहा है, बिल्कुल ही आउटस्कर्ट्स में है। देखो यहाँ पे ये सारी विलेजेस है तमिल की। हो गए नक्कल वाटरफॉल, ओके। दे चार्ज 20 rupees फॉर 14 किलोमीटर। देखो भाई कितना घना जंगल है इधर पूरा, अमेजिंग ना। मेरे राइट साइड में आ गई है सारी कावेरी नदी, पूरी रिवर, मज़े। बार बार 20 rupees, वोटिंग को बता रहे हैं 750 rupees फॉर 1 person, फॉर 2 person, फॉर 3 person, फॉर 4 person। अगर 4 लोग जाएंगे तो भी 750, एक जाएगा तो भी 750। अब मेरे पास तो इतना कैश ही नहीं है अब यार, ये तो दिक्कत हो गई,
और मेरे को तो और बंदे अब ढूंढने पड़ेंगे शेयरिंग में। वो कह रहे हैं वीकेंड पे आते हैं बंदे, तो अभी तो कोई है ही नहीं आगे। लेट्स सी क्या होता है, भगवान कोई तो मिलवा दो। आई एम सोलो, आई नीड 3 पीपल। यहाँ से बचा अब 6550 के मीटर किलोमीटर बोलने वाला था। वाटरफॉल नंबर से 750, अगर कोई 3 लोग हैं तो उनके साथ फिक्स कर दो ना मेरे को। यहाँ की बोटिंग का चार्ज है 750, चाहे आप सोलो हो, चाहे आप 4 हो, चाहे आप कितने, मैक्सिमम 4 अलाउड है। पर अभी मेरे को भी कोई ना कोई शेयरिंग में देखना है, अगर कोई मिल जाए तो देखता हूँ, तो यार बढ़िया काम हो जाएगा। जो आप पीछे भैया देख रहे हो रेड लुंगी में, ये है मेरे पायलट कह सकते हैं इनको। और टोटल यहाँ की फ़ी है 750, अगर आप एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो। तो मैंने अभी 750 पे करा है, वो है सिर्फ 20 मिनट्स के लिए। वहाँ पीछे लेके जाएंगे, वहाँ पे उतारेंगे और वहाँ पे वाटरफॉल का व्यू है, बस वहाँ से वापस ले आएंगे। 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना। बट मैंने अभी पूरा का पूरा, उसके बाद ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, कर्नाटका बॉर्डर तक लेके जाते हैं। उसका अलग से वीकडेज पे थोड़ा कम होता है और वीकेंड पे ज़्यादा होता है। वीकेंड पे कह रहे 3000 और अभी जो वीकडेज है उस पर 1000 बोल रहे थे। 750 टोटल है, सॉरी 1750 टोटल चार्ज है यहाँ पे। तो अभी मैंने पूरा कर्नाटका बॉर्डर वाला लिया है और वहाँ पे जा रहा हूँ पूरा का पूरा घूमने, और अकेला हूँ, सोलो बोट लिया, बाकी किसी के साथ नहीं जा रहा। तो देते हैं आज मज़े, हो गए नक्कल के। अभी मेरे को नीचे डीप डाउन लेके जाएंगे वाटरफॉल के अंदर और वहाँ से घुमा के लाएंगे पूरा, नहीं तो ऊपर से दिखाते नीचे की वाटरफॉल। चाहिए मेरे को अभी लाइफ जैकेट पहननी है, जैकेट वगैरह उतारूंगा, बैग उसके अंदर रखूंगा। बोट लेके आ रहे हैं भैया, पीछे आप देख सकते हो वो भैया बोट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर बोटिंग करेंगे ये वाली गोल वाली टोकरी वाली बोट में। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, ये मेरा पहली बार मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मज़ा आने वाला है। इधर से होती है बोटिंग और उधर वो सारे विलेज पीपल है जो वहाँ पे नहा रहे हैं। चले भैया सेंटर बैठो, सेंटर हाँ बैठो, बैक साइड में रख दूँ। खतरनाक है, एक नंबर। क्या गजब व्यू था यार, आपने देखा होगा पीछे, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि मजा आ गया मेरे को तो देख के भाई, एक नंबर चुम्बेश्वरी। अब जा रहे हैं नीचे, ये जो नीचे जाने वाली राइड है ये एक्स्ट्रा में है, पसीने आ रहे, बहुत गंदी गर्मी है। और वो वाली जो थी पहले वाली वो 750 तक थी बस,
अब होएगी एक्स्ट्रा वाली स्टार्ट, कर्नाटका बॉर्डर तक जाएंगे। जाना है भाई यहाँ से और नीचे जाके उनका वेट करना है, फिर वो बोट लेके आएंगे और नीचे बोटिंग कराएंगे। अब यहाँ पे वो देखो नीचे वो घूम रहे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अब यहाँ की जो डेप्थ है वो है 100 feet डाउन, मतलब 100 feet पानी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा गहराई है यहाँ पे। यहाँ पे देखो पानी में ना फिशेस भी है, ये देखो ये फिशेस। ये डाउन बोट है क्या? अच्छा राउंड एंड शूटिंग है क्या? अच्छा राउंड एंड ऐश्वर्य राय अभिषेक बच्चा विक्रम। अच्छा फर्स्ट स्टार्टिंग हिंदी मूवी, इधर में जंप करते हैं आगे बारिश टाइम पानी जास्त करे सकते जाएंगे अभी क्यों अपने इधर मत था बस इधर इधर घूमने का है इधर प्लेस है क्या पानी जंप करते हैं। अच्छा पानी जास्त करते हैं घर में वहाँ करते हैं। ओके भाई वो जो आप सामने देख रहे हो उसके उस साइड है कर्नाटका बॉर्डर, उधर कर्नाटका लाइफ जैकेट, इस साइड तमिल बॉर्डर, बस एक वो वाटरफॉल के इधर और इधर का ही फर्क है बस। एंड दिस इज द मेन कावेरी रिवर ओवर हियर। हम जिस साइड जा रहे हैं ये है पूरा कर्नाटका ना, तमिल तमिलनाडु कर्नाटका। अच्छा इधर तमिल और इस साइड कर्नाटका। ओके सो नाइस। यहाँ पे ये फिशिंग नेट है, ये अंकल फिशिंग कर रहे हैं। नीचे नेट है हमारे, हमारे नीचे फिशिंग नेट है। बिल्कुल पानी का लेवल बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा, ऊपर तक जून जुलाई में। कहाँ तक? फुल पानी आ गया। कहाँ तक? कितनी हाइट तक? हाइट आधर में चलेगा। अच्छा इतना ऊपर तक? हाँ राइट। और सारे पे सब पे वाटरफॉल? हाँ वाटरफॉल, फुल वाटरफॉल, फुल वाटरफॉल, फुल वाटरफॉल आ गया। अच्छा बोट इधर में अलाउड नहीं? अच्छा बोट अलाउड नहीं है, फिर रूट है? फिर अलग रूट है। हाँ। बार बार। अच्छा इनर में अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं, इधर में अलाउड नहीं, नेक्स्ट रूट है क्या? ओके ओके। यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और वैसे यहाँ पे ये जो जितना भी आपको सूखा हुआ दिख रहे हैं पहाड़, यहाँ पे बारिश के टाइम पे पूरा पानी होता है, पूरे वाटरफॉल होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये तो अभी बहुत कम है वाटरफॉल। और इस बोट का कितना वेट है? 50-60 kg। अदर में कर्नाटका बस स्टॉप है। कर्नाटका बस स्टॉप? ओके। कर्नाटका टूरिस्ट आ गया, बोट अदर में चलेगा। अच्छा कर्नाटका टूरिस्ट उधर से आएंगे? हां कर्नाटका बोट आ गया। अच्छा इधर में तमिलनाडु। अच्छा ये तमिलनाडु है। मछली प्रेई आ गया। अच्छा क्या नाम? मछली प्रेई। मछली प्रेई? हां 4 piece 100। अच्छा मछली मिलते 4 piece 100। ओके ओके। ये बीच है? मछली खाना करते हैं? नहीं मछली नहीं खाता। यहाँ पे फिश मिलती है 25 की एक फ्राइड, 100 की 4।
अब जाना है वापस, वहाँ से आया था नीचे से तो ऊपर आ गया हूँ मैं, और बोट आ रही है इधर से, भैया लेके आ रहे हैं फिर वापस चलेंगे। वो देखो वो रे भैया, अभी टाइम हो गया 4:30। थैंक यू, अपना नंबर बता दो। हाँ 94 नंबर चलेगा। बोलो 94 9488 88 63 63 16 16 04 04। मैं यूट्यूब पे डालता। हाँ ओके ठीक है, कोई आता तो कॉल करता। हाँ कर। ओके हाँ ओके ओके भैया ठीक है, थैंक यू। ये भैया भाई बहुत ही बढ़िया थे, अगर कोई भी अगर यहाँ पे हो गए नकल आ रहे हो तो नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भैया का, बाय वर्ड्स मैंने बोल भी दिया। पीछे जो भैया आ रहे हैं यहाँ पे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से घुमाएंगे और थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर लेंगे अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हो तो। अगर आप बिल्कुल ही सीज़न में आ रहे हो इधर से और अगर आप बिल्कुल ही सीज़न में आ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट भैया का नेचर बहुत अच्छा था। भैया आपका नाम क्या? मगेंद्र भैया का नाम है, और नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके पसीने, अब दिक्कत पता क्या है, अब जाना है वापस यहाँ से बैंगलोर, जो कि है 4-4.5 घंटे का रास्ता, और जबकि 140 किलोमीटर है। फटाफट से जाऊँगा, एक तो एक और चीज़ बताता हूँ, 360 के अंदर ना मेरे ना ज़्यादा वो नहीं बची है स्टोरेज, मेमोरी कार्ड मेरे बैंगलोर है, बाकी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड जो है। तो अभी 360 की वीडियो कम बनाएंगे, गोप्रो में थोड़ी बहुत बनाएंगे, फटाफट से चलते हैं अपने बैक टू होम। भाई मेरे को तो लग रही है बहुत तेज़ प्यास, स्वेटिंग देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, फटाफट से कुछ पानी वानी पीता हूँ, क्योंकि मेरे जो पानी की बोतल है वो भी खाली हो गई है, उसको भी टॉप अप कर लेता हूँ, बाकी मैं अभी पी लेता हूँ। ऐसे पानी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, बाइक भी मेरी यहीं पे पार्क है बाहर। सो गाइस आई एम रेडी टू लीव, GoPro में बैटरी अभी सिर्फ 30% है, तो फटाफट से निकलते हैं और बैंगलोर पहुँचते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर अंधेरा हो जाएगा। यार चाबी निकालनी रह गई और फ़ोन लगाना, अंधेरा होने से पहले फटाफट मेरे को पहले ना सारे ना जंगल क्रॉस करने हैं, क्योंकि जंगल में ना कुछ नहीं पता कब कौन सा जानवर आ जाए, हाथी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले जंगल क्रॉस करेंगे, अंधेरा बस कुछ ही देर में हो जाएगा, फिर इजी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक बार हाईवे पे पहुंच गया ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली अंधेरे से पहले पहले यार मैंने सारा जंगल सब कुछ क्रॉस कर लिया, यहाँ से बैंगलोर बचा है 53 किलोमीटर, मतलब कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ वो एरिया, और यहाँ से 14 किलोमीटर और कम कर लो उतना बैंगलोर है, 14 या 15 किलोमीटर। हाँ तो बैंगलोर बचा अराउंड ओनली 40 के समथिंग किलोमीटर, डेट सेट सब एक नंबर सीन। और अब टाइम आ गया 360 लगाने का, लुक एट दिस व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक। कौन सी लेक है ये? रामानायकन लेक। इसके अंदर जो दूसरी लाइट लगी हुई है ना येलो वाली, इसकी रोशनी बहुत अच्छी है, बहुत देख सकते हो आप। ये देखो मैं एक बार बंद करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बंद कर दी तो ये है, और वो बंद करते ही देखो ये है, भाई साहब देख रहे हो है ना कितना फ़र्क। आसमान से टपके और खजूर में अटके फिर से बैंगलोर के ट्रैफिक में, वाट लगेगी 20 किलोमीटर का, 1 घंटा और 5 मिनट दिखा रहा है 20 किलोमीटर का सिर्फ, ये ऐसा है बैंगलोर का ट्रैफिक। तो ये है भाई कमर्शियल स्ट्रीट बैंगलोर, द शॉपिंग एरिया, नाइस, अच्छा लग रहा है ना। 360 मैंने गलत टाइम पे उतार दिया। हाँ इस पे जाना है टेक्सास स्मार्ट यूनिट 1। अब बाइक कहाँ पे लगानी है, प्लान में अभी थोड़ा सा चेंज है, मैं जा रहा हूँ सबसे पहले कमर्शियल स्ट्रीट, कमर्शियल स्ट्रीट से मेरे को कुछ शॉपिंग करनी है। कमर्शियल स्ट्रीट यहाँ से है 1 hour and 20 minutes का रास्ता है, 36 किलोमीटर, और वहाँ से दिव्या आ जाएगी वहीं पे ही, उसके वहाँ से 40 मिनट का रास्ता है, तो टोटल यहाँ से टू आवर्स का रास्ता था। सो फटाफट से अभी वहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर क्योंकि ना 9 बजे ना कमर्शियल स्ट्रीट बंद हो जाएगी, नहीं तो मैं दिव्या को लेकर खुद ही आ जाता,
तो अब वो चली जाएगी मेरे साथ, आएगी वो ऑटो कैब जैसे भी आएगी वो आ जाएगी और जाएगी मेरे साथ बाइक पे। सो शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ हो चुकी है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। और हेलमेट मैंने अब चेंज कर लिया है, वो वाला हेलमेट इसने लगा लिया इसलिए अब गोप्रो मैं नहीं लगा रहा, सीधा अब घर जाऊँगा, थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। अभी हम यहाँ पे हैप्पीनेस ढाबा पे डिनर करने आए हैं, पहले डिनर विनर करेंगे, भूख लग रही है बहुत तेज़। और अराउंड 10 ये तो है सिंपल वेज थाली इसकी, अभी मेरी देखना क्या आएगी प्रीमियम, आज सुबह का पूरा पेट भरूंगा मुझे भी खिलाएगा थोड़ा। हाँ खा लियो, मैं इतना खा नहीं पाऊंगा, तेरा देख के ऐसा लग रहा है कि इतना ही नहीं खा पाऊंगा अपना, तो ज़्यादा खाया मैंने लास्ट टाइम बस, तो फिर मैं खा लूँगा। मेरा अभी मसाला पापड़ आ गया और लस्सी आ गई है, बाकी अभी आना बाकी है, मेन थाली आनी बाकी है जो अभी मेन आने वाला है, इतना ही मेरा पापड़ पेल लेगी मुझे पता है, अपना दे दूँगी मैं कोई, मेरे को नहीं खाना तेरा ये सूखा पापड़। ये आ गई है प्रीमियम थाली, तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई अगर कभी बैंगलोर में नॉर्थ इंडियन खाना खाना है ना, तो ये जो हैप्पीनेस ढाबा है ना एक नंबर है, यहाँ पे आके खाना थाली मज़ा आ जाएगा। हमने हमसे तो पूरी खाई नहीं गई, हमने बाकी पैक करा ली, बट अब मैं निकल रहा हूँ, अब यहाँ से 2 किलोमीटर है हमारा, बस वहाँ पे जाते हैं फटाफट। फाइनली कल तो हम आ गए थे रात को ना, गोप्रो बंद हो गया था इसलिए मैं ज़्यादा से कुछ शूट नहीं कर पाया, भारी बैटरी लो हो गई थी और फिर चार्जिंग पे लगाने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि हम पहुंच तो चुके ही थे। आज के इस व्लॉग को अभी इतना ही रखते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें इस वाले ट्रिप पे, सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया वो हमें आया कूर्ग के एलिफेंट कैंप में, बाकी पूरी राइड का तो देखो बहुत मज़ा आया, बट थोड़ी सी अगर गर्मी कम होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट ठीक है सब कुछ अच्छे से रहा, मज़ा आ गया घूम के, काफ़ी टाइम बाद घूमने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। सो आई होप आपको भी ये सारे व्लॉग अच्छे लगे होंगे, और अभी भी आगे अभी और आने हैं तो आगे भी देखते रहना, और अगर ये व्लॉग अगर या आज वाला अभी वाला अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय।